मध्य प्रदेश में 20 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। 20 नए मामलों में 19 इंदौर से हैं और एक खरगोन से। चिंताजनक बात यह है कि इंदौर से जो मामले सामने आए हैं उनमें 9 एक ही परिवार से हैं। मिली जानकारी के मुताबिक इंदौर के तंजीम नगर में रहने वाले इस परिवार के 3 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन बच्चों की उम्र 3 साल, 5 साल और 8 साल है। इसी के साथ मध्य प्रदेश के कोरोना मरीजों की संख्या 86 हो गई है। कोरोना से अब तक प्रदेश में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। इंदौर में 63 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। इसके बाद एमपी में दूसरे नंबर पर जबलपुर का नाम है, जहां कोरोना संक्रमण के 8 मामले सामने आए हैं। तीसरे नंबर पर उज्जैन है, जहां कोरोना संक्रमण के 6 मामले हैं। इसके बाद भोपाल है, जहां 4 संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं ग्वालियर और शिवपुरी में कोरोना संक्रमण के 2-2 मामले सामने आए हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन के पास तबलीगी जमात के मरकज में शामिल होने वाले लोगों में एमपी के भी 107 लोग बताए जा रहे हैं। इन 107 लोगों को लेकर अब एमपी सरकार सतर्क हो गई है। सीएम शिवराज सिंह ने इन लोगों को लेकर मंत्रालय में आयोजित अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा की। सीएम ने इन सभी 107 लोगों की पहचान कर उन्हें क्वारंटाइन करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी भी तरह की बीमारी के लक्षण उन लोगों में दिखाई देते हैं तो उन्हें टेस्ट और इलाज की फौरन व्यवस्था की जाए। मध्य प्रदेश के जो लोग दिल्ली के तबलीगी जमात के मरकज में शामिल हुए थे उनसे सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि वो लोग खुद सामने आ जाएं। सीएम ने कहा कि हम भी उनकी तलाश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है, जिनमें से 7 मरीजों को आइसोलेट किया गया है, जबकि 2 मरीज ठीक हो चुके हैं। सबसे ज्यादा मरीज रायपुर में भर्ती हैं। बिलासपुर, राजनांदगांव, कोरबा में एक एक मरीज कोरोना पॉजिटिव है। अच्छी खबर यह है कि रायपुर और दुर्ग के एक एक मरीज ठीक हो चुके हैं। दोनों मरीजों की जाँच रिपोर्ट निगेटिव आई है, जिन्हें बाद में रायपुर एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया। दिल्ली के निजामुद्दीन के पास तबलीगी जमात के मरकज को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार भी अलर्ट पर है। छत्तीसगढ़ सरकार को जानकारी मिली है कि इस जमात में छत्तीसगढ़ के भी 98 लोग शामिल थे। जानकारी मिलने के बाद छत्तीसगढ़ वापस लौटे इन लोगों में से 32 सदस्यों को क्वारंटाइन किया गया है, जबकि 69 सदस्यों को आइसोलेशन में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग इन सभी लोगों पर कड़ी नजर बनाए हुए है। कोरोना से जंग के बीच सभी मंत्री और अधिकारी सतर्क है। मध्य प्रदेश के दमोह में केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कलेक्टर, एसपी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल हुए, जिसमें कोरोना से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई। साथ ही लॉकडाउन के दौरान पुलिस का साथ देने के लिए एनसीसी कैडेट्स और दूसरे संगठनों के सदस्यों की ट्रेनिंग पर भी चर्चा की गई। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। कोरोना संदिग्धों की जांच के लिए प्रदेश सरकार ने 1,00,000 टेस्ट किट खरीदने का ऑर्डर दे दिया है, जिस पर 12 करोड़ खर्च होंगे। नई जांच किट 6 अप्रैल से मिलनी शुरू हो जाएगी। प्रदेश सरकार ने कोरोना की जांच किट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च पुणे, मुंबई और दिल्ली से मंगाई है। अभी प्रदेश में 5,000 जांच किट मौजूद है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर करेली की एसडीएम संगमित्रा बौद्ध ने समर्पण और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल कायम करते हुए कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए अपनी शादी टाल दी। उन्होंने अवकाश निरस्त करने का आवेदन नरसिंहपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना को भेज दिया। करेली की एसडीएम संगमित्रा बौद्ध की शादी भिंड में तैनात एसडीएम अभिषेक चौरसिया से 12 अप्रैल को होनी थी। 8 फरवरी को सगाई हुई थी और शादी की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कोरोना से लड़ने के लिए बचाव एवं राहत कार्य में 20,000 भी दान में दिए। दोनों छुट्टी पर न जाकर अपने क्षेत्र की जनता को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के समय में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के अधिकांश सोसाइटी और मल्टी स्टोरी में रहने वाले लोगों के पड़ोसियों से बेहतर संबंध बन गए हैं। दिन और शाम के समय लोग अपनी अपनी बालकनी में आ जाते हैं, कभी माइक के सहारे अंताक्षरी खेलते हैं तो कभी हाउसी गेम्स के माध्यम से अपना मनोरंजन कर रहे हैं। रोजाना शाम को व्हाट्सएप ग्रुप पर अगले दिन की एक्टिविटी और समय तय की जाती है। लॉकडाउन के दौरान लोग घरों से बाहर नहीं निकले, इसलिए इसमें तकनीक का सहारा भी लिया जा रहा है। खास बात यह है कि हर रोज एक्टिविटी की शुरुआत हनुमान चालीसा के पाठ से होती है।